उन्होंने लाइव में पवन सिंह का नाम लिए बगैर जो उन पर निशाना साधा था, अब उसे लेकर खुद खेसारी लाल यादव फंसते नजर आ रहे हैं और लगातार खेसारी ट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव कल सुबह तड़के लाइव आए थे और उन्होंने यहाँ ये कहा था कि उनके पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, बड़े बड़े लोग हैं, मेरा गाना आता है तो न जाने क्यों लोगों के अंदर खुजली हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट आप खुद ही सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि क्या हुआ। प्रणाम भैया, सिंगर अनूप मिश्रा। तो मेरा गाना छूटता है ना तो पता नहीं खुजली सबको बहुत होती है यार। और क्यों खुजली होती है ईश्वर जाने, मैं तो किसी को नहीं जानता, बट ईश्वर जाने की खुजलियाँ बहुत होती है कि नहीं इसका बजना नहीं चाहिए, सबको मेरे से प्रॉब्लम क्यों है यार। क्या कंपनी से लेकर सिंगरों से लेकर गायकों से, मैंने हर आदमी को प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होता है मेरे से। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया अपने लाइव आकर फेसबुक से, उसके बाद खेसारी लाल यादव पर भाई ताबड़तोड़ पवन सिंह और रितेश पांडे, प्रदीप पांडे, चिंटू के कई फैंस ने हमला कर दिया। जी हाँ, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ट्रोल के सहित ही कही गई थी, लेकिन खेसारी लाल यादव को यहाँ जमकर सुनाया गया। लोगों ने ये कहा कि जब तुम किसी और के गाने के साथ अपना गाना लाते हो तब कुछ नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी ने, लगभग सभी ने रितेश पांडे के गाने हेलो कौन को बधाई दी 600 मिलियन पूरा होने पर, लेकिन खेसारी लाल यादव आपने क्यों नहीं दी। आप देख लीजिए कई स्क्रीनशॉट, जहां आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव पर लगातार ताबड़तोड़ पवन सिंह से लेकर रितेश और खेसारी के निरहुआ के भी फैंस ने बहुत एलिगेंस लगाए। खैर, हम आपको बात बता दें कि ये उठी कहाँ से थी बात। वो हुआ यूं कि खेसारी का रेड लिपस्टिक गाना कल सुबह स्पीड भोजपुरी पर रिलीज किया गया, जिसके व्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव को इससे तकलीफ थी कि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके उस गाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी तो उनके साथ पवन सिंह ने अपना गाना खोजेलू कुआर को रिलीज कर दिया ताकि व्यूवरशिप बढ़ जाए और उनके गाने को व्यूज ना आ पाए। लेकिन यहाँ पर खेसारी का दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अब उन्हें खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ रहा है, लोग उन पर कई एलिगेंस लगा रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।